मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी के द्वारा अभी शुरू हो गया भाषण 29 जनवरी 2021 को अभिभाषण के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में भारत की सुरक्षा, प्रगति, भारत व भारतीयों के विकास के लिए व्यक्तिगत समाज के प्रत्येक अंग को समर्पित बैठे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, योजनाएं की जा रही हैं, उन सबका विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र को प्रदर्शित करता है। स्वस्ति प्रदाम में परिपान अंताम न्यायेन मार्गेण महिम महिषाय गो ब्राह्मणे भ्याम शुभमस्तु नित्यम लोकाय समस्ता सुखिनो भवन्तु। मतलब शासन द्वारा सभी लोगों की भलाई न्यायपूर्वक हो, ऐसा नहीं होता। सभी विद्वानों माननीय आप वरिष्ठ सदस्य हैं, बीच के भाषण में पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता। इसी अवधारणा आप वरिष्ठ सदस्य हैं, किस नियम के तहत बोल रहे हैं आप? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार जी आज समाज का प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को प्रधानमंत्री जी की सरकार के किसी न कार्यक्रम से अपने आप को जुड़ा पाता है। समाज के जो वंचित, पिछड़े और अशक्त जन हैं, उनके और उत्थान और विकास के लिए सरकार के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं वो अद्वितीय हैं। भारत की सुरक्षा की बात करें, चाहे बाह्य सुरक्षा हो, आंतरिक सुरक्षा हो, खाद्यान्न सुरक्षा हो, सामाजिक सुरक्षा हो, आर्थिक सुरक्षा हो या अन्य किसी भी प्रकार की सुरक्षा हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सारे सबको प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने अभी हाल में कोरोना की वैश्विक महामारी के संकट का सामना किया और इस संकट से निपटने में हमारे केंद्रीय नेतृत्व व नीतियों का प्रभाव, हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारे वैज्ञानिक प्रतिभा हैं और हमारे जो देशवासी हैं उनका मनोबल जो है ना, उन्होंने हमें संकट से मुक्ति दिलाने में जो है ना सहायता की है। ये माननीय अध्यक्ष जी, ये संकट अभी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है, पर मुझे विश्वास है कि जल्दी हम इस संकट पर विजय प्राप्त कर लेंगे। भारत ने या यूं कहें कि विश्व ने जो है ना कोविड महामारी जैसी आपदा का सामना कभी नहीं किया था और ये बीमारी विकसित और विकासशील सभी देशों को अपनी चपेट में ले आई। जब इस तरह की आपदा पहले कभी आई नहीं तो उससे निपटने के बारे में कभी विचार नहीं किया गया, लेकिन भारत के लिए इस आपदा से निपटने के लिए न सिर्फ सुविधाओं और व्यवस्थाओं का प्रबंध जैसा कठिन काम था बल्कि हम भारतीयों की जीवन शैली में बहुत कुछ बदलाव आवश्यक था। शुरुआत में हमारे देश में मात्र चार जाँच केंद्र थे और आज देश में लगभग कोरोना के 2350 कोरोना जाँच केंद्र काम कर रहे हैं। लगभग 2500 टेस्ट प्रतिदिन की दर से उस समय जांच हो रही थी, लेकिन आज लगभग 12 लाख से भी अधिक टेस्ट प्रतिदिन तक जांच पहुंच गई है। कोविड से निपटने की व्यवस्थाओं को तेजी से जो है ना वो प्रबंधन किया गया, फिर वह चाहे पीपी किट की बात हो, वेंटिलेटर की बात हो, अस्पतालों में बेड की व्यवस्था करना हो, दवाइयों की व्यवस्था करना हो, मास्कों का वितरण करना हो या उन्हें लगाने के लिए लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना हो, इन सब पर बहुत तेजी से काम किया गया। आज हम पीपी किट खुद बना रहे हैं, वेंटिलेटर अधिक संख्या बना रहे हैं। देश में N95 जैसे मास्कों की उस समय कमी थी और हम इनका आयात कर रहे थे, लेकिन आज ये सब हम भारत में बना रहे हैं। भारत में मास्क बनाने की क्षमता में भी कोरोना काल में बड़ी तेजी से विस्तार हुआ और इस कोरोना काल में घरों में, कुटीर उद्योगों में और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनके द्वारा भी कई नागरिकों ने कपड़ों से बने मास्क बनवाए और उन्हें जरूरतमंदों तक पहुंचाया। कई लोगों को घर में बैठे इस काम से जो ना रोजगार भी मिला। प्रारंभ में अपने कोरोना वॉरियर्स को इस महामारी से निपटने के लिए कैसे तैयार किया जाए, उनका इलाज कैसे किया जाए, इन सभी बिंदुओं पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो है ना बहुत ही अच्छा काम किया। जहां लगभग पूरा विश्व और उसकी व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो रही थी, सभी का मनोबल टूटा हुआ था, सर्वत्र भय व्याप्त था, ऐसे समय पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने दृढ़ निश्चय लिया और कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए संपूर्ण भारतवर्ष में लॉकडाउन का निर्णय लिया। विश्व के कुछ विकसित देशों जिनमें अमेरिका भी शामिल था, उन्होंने आर्थिक नुकसान को बचाने के लिए लॉकडाउन नहीं लगाया और आज हमारे सबके सामने स्पष्ट है, यदि उस समय यह निर्णय नहीं लिया जाता तो आज भारत की स्थिति क्या होती। यह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता व कड़े निर्णय लेने की क्षमता को प्रदर्शित करता है कि जिन देशों ने इकोनॉमी बचाने का प्रयास किया उन स्थितियों में उनको जो है ना बड़ा जनहानि का नुकसान उठाया, वहीं भारत जैसे देश जिन्होंने जनहानि नहीं होने देने को प्राथमिकता दी और पूर्ण लॉकडाउन जैसे कड़े निर्णय लिए, वह कोरोना से लड़ने में सफल सिद्ध हुए। कई लोगों ने संपूर्ण भारत में लॉकडाउन के निर्णय को जो है ना गलत बताया, आर्थिक प्रगति का भी रोना रोया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया था कि सरकार जान है तो जहान है कि मंत्र के साथ आगे बढ़ेगी। लोगों ने ताली, थाली, दीपक और मोबाइल लाइट जैसे जो उत्साहजनक कार्यक्रम किए गए उनका मजाक उड़ाया। ये सभी कार्य भारत की जनता का उत्साह और मनोबल बढ़ाने वाले सिद्ध हुए और महामारी के बीच में सभी इन कामों को कर उन्होंने इस बात को प्रदर्शित किया कि पूरा देश एकजुटता के साथ में कोरोना के विरुद्ध खड़ा हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कुशल नेतृत्व में जो देश प्रगति के पायदान पर खड़े थे, जहां उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं थी वहां भी हाहाकार मचा हुआ था। हमारा भारत जैसा दुनिया में
दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, जहां जनसंख्या घनत्व अधिक है। इस बीमारी से निपटने के लिए कुशल नेतृत्व के साथ खड़ा था। लोगों को हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसे कार्यों के लिए न सिर्फ प्रेरित किया गया बल्कि दंडात्मक प्रावधानों से भी इन कार्यों को कराया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने न सिर्फ अपने नागरिकों की चिंता की बल्कि वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को पूरा करते हुए अन्य देशों की भी सहायता की और 100 से अधिक देशों को दवाइयां और अन्य सामान उपलब्ध कराया गया। भारत ने इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद भी सही आंकड़े दुनिया के सामने रखे और ये दिखा दिया कि यदि नेतृत्व दूरदर्शी दृढ़ संकल्पित हो तो कठिन से कठिन काम भी किया जा सकता है। समाचार पत्रों में कई जगह ऐसी तस्वीरें आई जहां पर कई देशों में मृतक जोड़ा सड़क पर पड़े थे और उन्हें उठाने वाला कोई नहीं था। मुझे गर्व है कि 135 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में एक भी ऐसी घटना घटित नहीं हुई जबकि कई देशों में नए कब्रिस्तान बनाए गए। भारत ने मृतकों के संस्कार की व्यवस्था पर ही ध्यान नहीं दिया बल्कि जीवन को कैसे बचाना है उस पर ही विशेष ध्यान दिया। कई देशों में 12 वर्ष से कम उम्र और 50 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले लोगों को कई लोगों ने दवा देना बंद कर दिया था पर हमने प्रत्येक जीवन की अहमियत समझी और उसे बचाने की पूरी कोशिश की। हमने पूरे भारत में गांव गरीब मजदूर की चिंता की। भारत ने गरीब कल्याण योजना के माध्यम से सरकार ने पिछले 8 महीनों में और 80 करोड़ गरीबों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया। वन नेशन वन राशन कार्ड को भी लागू किया जिसमें मजदूर जहां पर है वहां पर वो अपने हिस्से का राशन ले सकेगा और उसका परिवार जहां पर है वो परिवार बाकी राशन वहां पर ले सकेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह निश्चित किया कि एक भी घर ऐसा ना बचे जहां चूल्हा ना जले, एक भी व्यक्ति भूखा पेट ना सोए। इस कार्य में भारत की जनता ने भी जो है ना बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और गरीब पिछड़े वंचित तो महामारी के कारण बेरोजगार मजदूरों तक उन तक भोजन व्यवस्था पहुंचाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर देश के कोने कोने से लोग जो थोड़े सक्षम थे उन्होंने भी गरीबों श्रमिकों और कर्मकारों के कल्याण के लिए बीड़ा उठाया। कई स्थानों पर हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चों ने जो है गुल्लक तोड़कर जो है ना और महामारी के विरुद्ध जरूरतमंदों को मदद करने के लिए पीएम केयर फंड में पैसा देने से पीछे नहीं रहे। अनेक स्थानों पर बुजुर्गों ने अपनी जमा राशि बैंकों से निकालकर अपनी एफडी तोड़वाकर पीएम केयर फंड में देने से वो पीछे नहीं रहे। ऐसी कई कहानियां आज मानव संवेदना के उदाहरण बन गई हैं। सोशल मीडिया पर जो है ना वो देखने को मिली। इस संबंध में मैं केवल कुछ नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने इस कोरोना काल में कुछ ऐसा किया जो हमारा साधन संपन्न राजनीतिक बुद्धिजीवी वर्ग न कर पाया। आज किसको हैदराबाद के बैंकटा मुरली के बारे में नहीं पता, आज किसको चेन्नई के श्री पंडा के बारे में नहीं पता, आज किसको गोरेगांव रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के लोगों के बारे में नहीं पता जिन्होंने इस कोरोना महामारी के काल में अपने सीमित साधनों से भी गरीबों श्रमिकों और कर्मकारों की मदद की। इसी संदर्भ में मैं गोवा के दृष्टि लाइफ सेविंग की मिस दिव्या शर्मा का भी उल्लेख करना चाहूंगा जिन्होंने इस विषम काल में जानवरों की मदद करने का मूक जानवरों की मदद करने का बीड़ा उठाया। उस समय मध्य प्रदेश की सीमा पर इंदौर में जो है ना एनएच पर जो महाराष्ट्र से मजदूर आ रहे थे उन मजदूरों को महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को इंदौर में वहां पर हमने देखा कि वहां प्रशासन के साथ साथ वहां एनजीओ के लोगों ने वहां के नागरिकों ने वहां के व्यापारियों ने जो है वहां पर बड़े बड़े पंडाल लगाए थे और उन पंडालों में जो लोग वहां से महाराष्ट्र से आ रहे थे उनके ठहरने की उनके स्नान की उनको जूता चप्पल देने के लिए उनको भोजन की और भोजन भी इतने तरह का इंदौर के नागरिकों ने वहां पर भोजन कराया कि वहां से जो होकर ले जा रहे थे वो लोग कह रहे थे मध्य प्रदेश में जैसी चिंता वहां के नागरिकों ने की वहां के प्रशासन ने की वैसा दृश्य कहीं देखने को नहीं मिला। मध्य प्रदेश की सीमा पर जो है ना चाहे रीवा की बात करें चाहे छतरपुर में कैमाह की बात करें चाहे पन्ना की सीमा की बात करें चाहे बालाघाट की बात करें चाहे हम छिंदवाड़ा की बात करें सभी स्थानों पर देखा कि प्रशासन के साथ साथ नागरिक जो है ना बड़ी संख्या में मजदूरों के लिए वहां से निकलने वाले लोगों के लिए मदद करने के लिए आगे आ रहे थे। मैंने देखा कि टीकमगढ़ में हमारे नौजवान वहां पर चाहे वो अमित दूना हो चाहे वो ज्ञानेंद्र सिंह हो चाहे पूनम अग्रवाल हो चाहे प्रफुल्ल द्विवेदी हो चाहे मुन्ना साहू हो ये सबके सब लोग जो है ना वहां उन छतरपुर जिले से निकलने वाले जितने मजदूर दूसरे राज्यों से आ रहे थे उनकी सेवा करने में कहीं पीछे नहीं थे। छतरपुर में मैंने देखा कि पुष्पेंद्र प्रताप सिंह अपने युवा साथियों के साथ में उन्होंने देखा कि ऐसे गरीब लोग जिनके काम धंधे बंद हो गए हैं उनके घरों में जो है ना राशन की किट बनाकर सूखा आटा दाल चावल उनको मिर्च मसाला और तेल देकर किट बनाकर ऐसे घरों में पहुंचाने की व्यवस्था की। जो लोग मजदूर में निकले वहां से छतरपुर से जानकारी मिली उन सब तक जो है ना भोजन के पैकेट पहुंचाने की व्यवस्था वहां पर की गई। मैंने टीकमगढ़ में देखा कि नौजवान एक खुले आपों में जो है ना वो चले जा रहे थे और उसमें चारा भरा हुआ था जहां पर उन्होंने देखा कि जानवर खड़े थे वहां पर आपे को रोककर और उन बेजवान जानवरों को जो है ना चारा दिलाने का काम देख रहे थे। ये दृश्य केवल टीकमगढ़ छतरपुर की बात इंदौर की बात अकेले नहीं है यहां पर हम सभी अपने अपने संसदीय क्षेत्रों से आते हैं और मैंने देखा कि सभी राज्यों में जनप्रतिनिधियों के साथ साथ बड़ी मात्रा में नागरिकों ने इस काम में जो है ना और आगे आकर और मदद करने में कोरोना से लड़ाई लड़ने में सबने अपनी एकजुटता का परिचय दिया। मैं सदन के माध्यम से उन सभी नागरिकों का
हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने पूरे देश में और कोरोना जैसे लड़ाई में सबने एकजुटता के साथ में इस काम को किया। सरकार ने मनरेगा श्रमिकों, विधवाओं, दिव्यांगों, महिलाओं और जो स्व सहायता समूह और अन्य श्रमिकों को डीबीटी के माध्यम से राहत धन पहुंचाया। मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि संसद की जो गृह संबंधी स्थायी समिति है उसने अपनी 229वीं रिपोर्ट में कोविड 19 महामारी के प्रबंधन पर अपनी जो रिपोर्ट पेश की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो गृह संबंधी स्थायी समिति है इसके जो चेयरमैन है वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, वो कांग्रेस के हैं और उन्होंने और जो रिपोर्ट पेश की है उसमें सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय और कार्यों से समिति संतुष्ट है और कार्यों की प्रशंसा भी उस समिति ने की है। इसी प्रकार संसद की जो स्वास्थ्य संबंधी स्थायी समिति है माननीय सभापति महोदय उसके भी अध्यक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, लेकिन सरकार के द्वारा जो काम किए गए हैं और सरकार के द्वारा लिए गए जो निर्णय लिए गए हैं उनसे समिति संतुष्ट है और कार्यों की प्रशंसा भी स्वास्थ्य संबंधी स्थायी समिति ने भी की है। ये इस बात को बताता है कि लोगों ने जो है ना राजनीतिक पूर्वाग्रह से ऊपर उठकर और ऐसे लोगों का मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में कोरोना के विरुद्ध जब पूरा विश्व जो है ना भारी प्रभावित हुआ था वहां हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, स्वास्थ्य मंत्री सम्मानित डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने, हमारे गृहमंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने और मंत्रिमंडल के सभी वरिष्ठ सदस्यों की प्रभावशाली नीतियों व कार्यों से हम इस संकट से लगभग ऊपर चुके हैं। भारतीय वैज्ञानिकों को भी अपनी प्रतिभा का परिचय देकर कोरोना की वैक्सीन बनाई, एक अन्य वैक्सीन का उत्पादन भी भारत में किया जा रहा है, भारत में अन्य वैक्सीनों पर भी तेजी से काम हो रहा है और निकट भविष्य में भी हम और वैक्सीन बना पा सकेंगे। हमने सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत् की अवधारणा को सिद्ध करते हुए अपने पड़ोसी देशों और अन्य कई देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराई। देश में कुछ लोगों ने इस वैक्सीन पर भी सवाल उठाकर हमारे वैज्ञानिकों को अपमान किया। अरे वैक्सीन का भी राजनीतिकरण करना, ये भाजपा की वैक्सीन है हम इसको नहीं लगाएंगे, इस तरह की हल्की बातें करना वास्तव में इस देश की जनभावना का जो है ना वो अपमान है। कोरोना काल में भारत में बहुत बड़े पैमाने पर जो है ना मजदूरों का पलायन हुआ और कोरोना महामारी से व्याप्त भय के कारण देश के हर कोने से श्रमिक जो है ना वो अपने घर जाना चाहते थे। कुछ राज्य सरकारों ने ऐसा माहौल बनाया कि मजदूरों को जबरन के घर पहुंचा जाना पड़े। कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण हमने देखा कि सभी व्यापार व उद्योग जो है ना बंद हो गए थे जिससे मजदूरों की आय के साधन बंद हो गए थे। उस समय केंद्र सरकार सभी से अनुरोध कर रही थी जो जहां पर है वहीं रहे और उनके राशन भोजन की व्यवस्था सरकार राज्य सरकारों और जिला प्रशासन के माध्यम से करेगी, पर व्याप्त भय के कारण व आय का साधन न होने के कारण सभी मजदूर अपने घरों को पहुंचना चाहते थे। केंद्र सरकार के द्वारा 11,092 करोड़ रुपए राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों को जो है ना NDRF के अंतर्गत जारी किए गए जिसमें प्रवासी मजदूरों के लिए खाने तथा आश्रय की व्यवस्था की जा सके। सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए लगभग 38,000 रिलीफ कैंप का प्रबंध किया जिसमें लाखों लोग जो है ना उन रिलीफ कैंपों में रुके और इसके अलावा लगभग 26,000 फूड कैंप खोले गए जिनमें 1.4 करोड़ लोगों ने खाना खाया। कई मजदूरों को उनके नियोजकों और मालिकों ने भी राशन व खाने का इंतजाम कराया। इस समय देश में जो माहौल बना था, जो डर पैदा हुआ था उसके चलते कई मजदूर जो है ना और अपने किसी साधन से साइकिल, ऑटो, रिक्शा, पैदल से घर पहुंचना चाहते थे। सरकार ने व अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं ने, समर्थ नागरिकों ने उन मजदूरों की यथासंभव मदद की और प्रारंभिक लॉकडाउन के बाद कोरोना से बचाव के सभी नियमों का पालन करते हुए सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चलाया। एक अनुमान के मुताबिक 60 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर लगभग 4,500 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचे और इसके अंतर्गत मैं बुंदेलखंड से आता हूं और बुंदेलखंड से बहुत बड़ी मात्रा में मजदूर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और बेंगलोर, आंध्र सभी स्थानों पर जाते हैं और उनसे वहां से जब वो लौटकर आए उनके लौटने के लिए भी जो है ना और मध्य प्रदेश की सरकार ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने वो अपने अपने जो उनके राज्यों के मजदूर दूसरे राज्यों में थे बसों की व्यवस्था करके उनको मध्य प्रदेश और उत्तर में लाने की व्यवस्था की। केंद्र सरकार ने भी और राज्य सरकारों को बसें चलाने की अनुमति देकर इस बात के लिए ताकि मजदूर जो है ना प्रवासी मजदूर वापस आ सके। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और गृहमंत्री जी का हृदय से आभार धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस तरह की अनुमति देकर मजदूरों को घर पहुंचने की व्यवस्था में सहयोग किया। मेरे संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़ में जो मजदूर लौटकर आए प्रवासी मजदूर उनको कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उनको अलग से रखा गया, उनके भोजन पाने की व्यवस्थाएं राज्य सरकार के द्वारा की गई। राज्य सरकारों के साथ ही वहां के जनमन ने भी ना बढ़ चढ़कर इस काम में भाग लिया। श्रम के क्षेत्र में भी जो है ना और हमारी सरकार ने जो है ना बहुत बढ़ चढ़ के जो है ना काम किया है। महात्मा गांधी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, राम मनोहर लोहिया जी के जो गरीब पिछड़े शोषित वर्ग के उत्थान और अंत्योदय की अवधारणा है वो श्रमिकों के उत्थान के साथ भी जुड़ी है। श्रमिक जब आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जब मजबूत होता है तो भारत स्वयं मजबूत हो जाएगा और प्रगति के नए नए सोपानों को प्राप्त कर सकेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
हमारी सरकार ने अति आवश्यक श्रम सुधार लाने का अभूतपूर्व काम किया। लेबर कोड के माध्यम से श्रमिकों के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए गए। जो द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग है उसके द्वारा 2002 में संशोधित की गई थी कि श्रम कानूनों को 4 या 5 लेबर कोड में परिवर्तित किया जाए। 44 श्रम कानूनों में से 12 कानून तो निरस्त हो गए, शेष जो रह गए 32 कानूनों में से 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को कम करके और 4 लेबर कोड बनाए गए। मजदूरी संहिता 2019, उपजीविका जन स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यस्थल संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, हमारी सरकार ने बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को आगे बढ़ाते हुए 2014 में ही श्रमेव जयते को सत्यमेव जयते के जैसे ही महत्व देते हुए श्रमिक भाई बहनों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता स्पष्ट कर दी थी। ऐसा नहीं है कि पूर्व की कांग्रेस की सरकारों ने श्रम कानून बदलने का कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन वास्तविकता यह है कि पूर्व की कांग्रेस सरकारों ने समय समय पर इसमें परिवर्तन तो किए, लेकिन ये परिवर्तन ठीक उसी प्रकार थे जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाली जुगाड़। अब इस जुगाड़ में डीजल इंजन और बैलगाड़ी को जोड़कर उसमें गियर आदि लगाकर उसको चलने लायक बना दिया जाता है, लेकिन जो जिससे काम तो होता रहे लेकिन वो गाड़ी जैसी बिल्कुल नहीं होती। ऐसी दशा हमारे सभी केंद्रीय सेमी अधिनियमों की भी हुई। ये सभी अधिनियम विगत वर्षों में इतने ज्यादा इनमें पेबंद लगाए गए कि ये ना तो श्रमिकों के लिए कोई लाभ पहुंचा रहे थे और न ही नियोक्ताओं को कोई प्रेरणा दे पा रहे थे कि वो देश में काम करने के लिए देश की तरक्की का मार्ग प्रशस्त कर सकें। इन केंद्रीय श्रम अधिनियमों से देश में लिटिगेशन याद है विवादों की संख्या में अभूतपूर्व देखने को वृद्धि मिली, जिससे किसी को लाभ तो नहीं हो पाया बल्कि इससे जुड़े सभी वर्गों को हानि उठाना पड़ी। इन केंद्रीय श्रम अधिनियमों को समय के साथ मूलभूत परिवर्तन न करने की इच्छा शक्ति के अभाव के कारण ही देश को अभूतपूर्व क्षति उतारनी पड़ी, क्योंकि कई केंद्रीय श्रम अधिनियम तो आपस में इतने विरोधाभासी हो गए थे और इन विरोधाभासों के कारण जहां एक ओर एम्प्लॉय में भारी असंतोष था वहीं दूसरी ओर एम्प्लॉयर में भी भारी निराशा थी। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में लगातार टकराव की स्थिति बनी रहती थी और स्पष्ट कानून के अभाव में दोनों को नुकसान उठाना पड़ता था। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के माध्यम से छोटा काम करने वाले जैसे जूता सिलने वाले, प्रेस करने वाले, खेतिहार मजदूर, गाड़ी चलाने वाले, ईंट भट्टा मजदूर, मिट्टी के दीपक खिलौने बनाने वाले, अगरबत्ती बनाने वाले और ऐसे जो छोटे छोटे मजदूर हैं उन सबको जो है ना पेंशन देने का अभूतपूर्व काम किया गया। उपजीविका जन स्वसुरक्षा स्वास्थ्य और कार्यस्थल संहिता के प्रावधान जो वर्तमान में केवल फैक्ट्री, डाक खान, निर्माण बागान, बीड़ी सिगार और मोटर ट्रांसपोर्ट में लगे श्रमिकों पर ही लागू होते थे, वो अब आईटी और सर्विस सेक्टर सहित सभी सेक्टर के संस्थानों पर समान रूप से लागू होंगे। हमने श्रम कानूनों के दायरे में सभी प्रकार के मनोरंजन माध्यम के श्रमिकों को लाने के लिए ऑडियो विजुअल वर्कर की परिभाषा का प्रावधान किया। इसी प्रकार पत्रकारिता के क्षेत्र में भी डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इत्यादि में काम करने वाले पत्रकारों को भी वर्किंग जर्नलिस्ट की परिभाषा में शामिल किया। पहले श्रम कानूनों की परिभाषा में प्रवासी मजदूर की परिभाषा में केवल वे ही श्रमिक आते थे जो श्रमिक एक राज्य से दूसरे राज्य में लाए जाते थे। ओएसएच कोड में प्रवासी मजदूरों की परिभाषा को सुदृढ़ और व्यापक बनाया गया। अभी ऐसा मजदूर जिसका वेतन 18,000 से कम है वो प्रवासी श्रमिक की परिभाषा में आ जाएगा और उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। प्रवासी मजदूरों का एक डाटाबेस बनाने का प्रावधान जो है ना पहली बार कानून में किया गया और अब उपयुक्त सरकार को अनिवार्य रूप से प्रवासी श्रमिकों के संपूर्ण डाटाबेस को तैयार करना होगा। प्रवासी मजदूरों को अपने मूल स्थान से निवास तक जाने के लिए साल में एक बार उनके एम्प्लॉयर द्वारा यात्रा भत्ता दिए जाने का भी प्रावधान है। समस्याओं के निराकरण के लिए भी कानून में हेल्पलाइन की व्यवस्था की गई। श्रमिकों को उनके अधिकार दिलाने के लिए ट्रेड यूनियनों के महत्व को जो है हमने स्वीकार किया और समझा। पहली बार उनकी सहभागिता को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से उनको संस्थान स्तर, राज्य स्तर और केंद्र स्तर यानी तीनों स्तर पर कानून में मान्यता दी गई। सरकार का उद्देश्य है कि सामाजिक सुरक्षा में 50 करोड़ श्रमिकों को लाया जाए। सामाजिक सुरक्षा कोड द्वारा प्रयास है कि ईएसआईसी के अंतर्गत मिलने वाली जो सामाजिक सुरक्षा है वो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को उसका लाभ दिया जाए। इसलिए ईएसआईसी के विस्तार के लिए सुविधाओं को देश के सभी जिलों में देने का निर्णय हुआ। जोखिम वाले क्षेत्र में भी काम कर रहे संस्थानों को ईएसआईसी की सुविधा अपने श्रमिकों को अनिवार्य रूप से प्रदान करनी होगी यदि उनके संस्थान में एक भी श्रमिक काम करता है। अनुपालन व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह सरल बनाने के लिए चारों लेबर कोड में एक समान प्रावधान है। अभी तक की व्यवस्था में एक प्रतिष्ठान को कई प्रकार के पंजीकरण की दरकार होती थी जिसमें कई प्रकार की व्यवहारिक समस्या उत्पन्न होती थी और विदेशी निवेशकर्ता भी अपनी पूंजी हमारे देश में लगाने से पहले 100 बार सोचते थे। अब चूंकि केवल एक पंजीकरण से ही काम पूरा हो जाएगा अतः देश में न केवल पूंजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा बल्कि हमारे प्रधानमंत्री जी का भारत को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का जो सपना है वो भी सपना जल्द पूरा होगा। कम से कम 10 कर्मचारियों वाली कंपनी, फैक्ट्री या अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान को अपने प्रत्येक कर्मचारी को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा। बिना नियुक्ति पत्र दिए वो अपने कर्मचारियों से काम नहीं ले सकेंगे।
इससे कर्मचारी भविष्य निधि व राज्य जीवन बीमा निगम को भी बढ़ावा मिलेगा। जब किसी उपक्रम में दुर्घटनावश यदि किसी श्रमिक की मृत्यु हो जाए या वो जख्मी हो जाए तो न्यायालय द्वारा नियोक्ता पर जो जुर्माना लगाया जाएगा उसका 50% भाग दुर्घटना के शिकार व्यक्ति या आश्रित को दिया जा सकेगा। महिला श्रमिकों को पहली बार शाम 7 बजे के बाद और प्रातःकाल 6 बजे के पहले अंतराल में किसी भी प्रतिष्ठान में काम करने की अनुमति दी गई, जिससे अब सही मायने में महिला और पुरुषों में बराबरी के सिद्धांत को देखा जा सकेगा। और इसके साथ ही साथ महिला और पुरुषों में जो वेतन में असमानता थी उस वेतन में असमानता को दूर करते हुए समान वेतन मिलने की प्रावधान इस बिल के माध्यम से की गए। मानव संसाधनों की आपूर्ति करने वाले जो ठेकेदार हैं उनको भी केवल एक ही लाइसेंस जो अखिल भारतीय होगा यानी पूरे देश में काम करने की सुविधा देगा, ऐसी व्यवस्थाएं की गई। इससे लाभ ये होगा कि प्रत्येक बात पर एक तो सरकारी मशीनरी का हस्तक्षेप कम होगा, भ्रष्टाचार में कमी आएगी और कागजी काम भी कम होगा। जुर्माने की राशियों को भी प्रभावी रूप से बढ़ाया गया ताकि नियमों का पालन यथोचित प्रकार से नियोक्ताओं के द्वारा किया जाए। इंस्पेक्टर राज के प्रभाव को भी कम करने के लिए और इस संहिता में स्पष्ट प्रावधान किए गए, जिसमें यह विशेष है कि इंस्पेक्टर के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया गया और संहिता में इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का प्रावधान किया गया, जो कि एनडीए सरकार इंस्पेक्टर राज को समाप्त कर फैसिलिटेटर की भूमिका बढ़ाना चाहती है, जिससे व्यापार में उद्योग की उन्नति के लिए आवश्यक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में जो 13 श्रम अधिनियम है इन 13 श्रम अधिनियम में से 7 के अंतर्गत अलग अलग विवरणी फाइल की जाती थी, जिसके अंतर्गत एक विवरणी फाइल जो है प्रस्तुत की जाएगी, जिससे रजिस्टरों की संख्या भी न्यूनतम हो जाएगी और ई गवर्नेंस को भी बढ़ावा मिलेगा। इन श्रम कानून बदलाव के पश्चात ही विश्व की कई नामी कंपनियां भारत में उद्योग लगाने की अपनी इच्छा जाहिर की, जिससे कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया की घोषणा को बल मिला। प्रधानमंत्री जी रोजगार प्रोत्साहन योजना पहली बार एम्प्लॉयर्स को नए एम्प्लॉयमेंट विकसित करने हेतु प्रोत्साहन की एक अभिनव योजना श्रम मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई। इस योजना से दोहरा लाभ हुआ, एक तरफ जहां एम्प्लॉयर्स को रोजगार का आधार बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया गया, वहीं दूसरी तरफ श्रमिकों को संगठित क्षेत्र के सोशल इक्विटी का लाभ मिला। हमारी सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों के समन्वय द्वारा और एक समस्या का समाधान निकाला कि जो महिलाओं को पहले जो है ना उड़ीसा झारखंड और छत्तीसगढ़ में जो है ना कोयला खानों में काम करना वर्जित था, हमारी सरकार ने और समन्वय द्वारा इसका समाधान निकाला और ओपन कास्ट खदानों में उनको काम करने की छूट मिली। जमीन के नीचे खदानों में भी टेक्निकल सुपरवाइजरी और मैनेजरियल कार्य जिनमें लगातार रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, पर्याप्त सुविधाओं सुरक्षाओं के साथ उनको वहां पर काम करने के लिए छूट दी गई। आज भारत की बेटियां शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां पर काम करना करने में जहां वो काम ना करती हों। आज भारत की बेटियां लड़ाकू हवाई जहाज चलाती हैं, ट्रक चलाती हैं, बस चलाती हैं और ऐसे कई कार्य जो कल तक केवल पुरुष प्रधान माने जाते थे वो आज सब बेटियां कम कर रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने भारतीय जनमानस की मानसिकता पर गहरा असर डाला और भारत की बेटियां उन क्षेत्रों में ही काम कर पा रही हैं जहां उनका काम कर पाना पहले असंभव सा लगता था। काम करने वाले मजदूरों के लिए समय समय पर जागरूकता शिविर लगाए जाते हैं और उन्हें बीमारी से बचने के लिए जागरूक किया जाता है। कुछ खतरनाक एयरबोन डस्ट से पैदा होने वाली बीमारियों और उनसे बचाव के लिए सरकार ने डस्ट मास्क व अन्य व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा देने का काम किया और यह कार्य जहां एक और मजदूरों के स्वास्थ्य में सुधार करेगा वहीं उनके द्वारा जो उपचार में खर्च होता था उसमें कटौती आएगी, जिससे मजदूर 2 पैसे बचा सकेगा। सरकार ने श्रम क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने के लिए श्रम कानून के प्रावधानों को समुचित रूप से लागू करने के लिए और उनके अनुपालन को सहज बनाने के लिए श्रम सुविधा पोर्टल की भी स्थापना की। सरकार ने मजदूरों के विवादों को सुलझाने के लिए समाधान पोर्टल की व्यवस्था की, जिसमें विवाद को सुलझाने में भूमिका निभाने वाले सभी लोग एक स्थान पर तकनीकी के माध्यम से एकीकृत हो जाते हैं। ये पोर्टल पारदर्शिता त्वरित न्याय व मजदूरों पर सरकार पर भरोसे को बढ़ावा देता है। दीनदयाल अंत्योदय योजना के माध्यम से शहरी गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से सक्षम करने के लिए लाभकारी स्वरोजगार व कुशल रोजगार के अवसर प्रदान करना, जिससे उसके लिए स्थायी आजीविका का प्रबंध हो सके। दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास व रोजगार के साधन या नियमित रूप से मजदूरी के माध्यम से सक्षम बनाने का काम करती है। प्रधानमंत्री आवास योजना ने वास्तव में गाँव के गरीब मजदूरों के जीवन में सराहनीय काम किया है। जो राजमिस्त्री और मजदूर कल तक दूसरों का मकान बनाते थे उनका अपना कच्चा मकान होता था या खपरेल या घास फूस का होता था, प्रधानमंत्री की इस अभिनव योजना से आज वो मजदूर आज अपना स्वयं का मकान बना पा रहा है। मैंने देखा कि मेरे संसदीय क्षेत्र में जतारा के पास एक गांव है खरगुपुरा, वहां खरगुपुरा में मैं जा रहा था, मैंने देखा एक बहुत अच्छा मकान वहां पर देखा। मैंने पूछा ये मकान किस लगा है तो मालूम पड़ा वो हीरालाल अहिरवार नाम का एक मिस्त्री का था जो दूसरों के मकान बनाता था और उसने इतने कम पैसों में इतना सुंदर मकान बनाया। उसने ये किया ईंटें उठने और उसकी पत्नी ने दोनों मिलकर ईंटें बनाई और मजदूरी उन दोनों पति पत्नी ने की, उन्होंने कोई मजदूर नहीं लगाया
और दोनों ने मिलकर उसको मकान को बनाया, इतना सुंदर आकर्षक मकान बना, इतना बड़ा मकान बना, उससे प्रेरणा लेकर वहां पर खरगोपुर तिलाके बाकी मजदूरों ने भी जाना और अपना स्वयं का मकान बना मजदूरी करके और एक बड़ा मकान इस योजना के माध्यम से बनाए। उनके द्वारा इतने सुंदर सुंदर मकान बन रहे हैं, ये देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। अब तक 1 करोड़ से अधिक घरों के लिए स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है और 2022 तक हर परिवार के लिए छत का पवित्र उद्देश्य का सपना जो है प्रधानमंत्री जी का वो पूरा हो सकेगा, मेरा मुझे विश्वास है। और सरकार ने रेहड़ी पटरी और ठेले वालों के लिए जो स्वनिधि योजना चालू की है, ये योजना छोटे छोटे काम करने वाले सभी लोगों के लिए कोरोना महामारी के बाद उबरने में जो ना सहायक सिद्ध हो रही है और इस योजना का लाभ लेकर लोग अपने कार्य को पुनः प्रारंभ कर रहे हैं और जीवन को एक नई केंद्र प्रदान कर रहे हैं। जब मजदूर शारीरिक मानसिक रूप से सुरक्षित होता है तो वह अपना सर्वोत्तम काम प्रदान कर पाता है और यही सर्वोत्तम कार्य श्रम के क्षेत्र में कुशलता को बढ़ाता है और उत्पादन बढ़ाने में सहायक सिद्ध होता है। भवन निर्माण, कालीन निर्माण, वस्त्र उद्योग, हथकरघा, पीतल उद्योग, कांच उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, सभी निर्माण कार्यों में लगे हुए श्रमिकों का महत्व है। श्रमिकों का समाज के निर्माण में योगदान भी है। भारत की आर्थिक प्रवृद्धि में जितना योगदान उद्योगों का है उतना ही योगदान जो है ना श्रमिकों का भी है। बिना श्रमिकों के औद्योग कार्य, निर्माण कार्य का सोच पाना मुश्किल होता है। हमारी सरकार ने भारत को विकास के नए सोपान पर पहुंचाने के लिए जहां भारत सिर्फ विकसित ही ना हो बल्कि आत्मनिर्भर भी हो और इसी मंत्र के साथ आत्मनिर्भर भारत को प्रारंभ किया है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने में श्रमिकों का बहुत बड़ा योगदान होगा। हमें अपने श्रमिकों की कार्य कुशलता को बढ़ाना होगा, उनका कौशल विकास करना होगा और हमें जो डेमोग्राफिक डिविडेंड प्राप्त हुआ है उसका समुचित विकास करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास व स्वरोजगार हेतु अनेक कार्यक्रमों को प्रारंभ किया है। भारत में एक बड़ा अजीब सा माहौल था कि पढ़ाई के बाद लोग जो है ना नौकरियों के पीछे भागते थे। कुछ अच्छे एंटरप्रेनर्स बन सकते लेकिन वो पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के कारण अपने सपने को साकार नहीं कर पाते थे। हम भारतीयों की मानसिकता जो है ना नौकरी प्रधान बनकर रह गई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार भारत में उद्यमिता, एंटरप्रेनरशिप को बढ़ावा देने का कार्य किया जिससे वो व्यक्ति जो अपने दिमाग व कार्य कुशलता से न सिर्फ अपना स्वरोजगार बल्कि उसके माध्यम से अनेक लोगों को रोजगार प्रदान कर सकता है। वह व्यक्ति जो कल तक खुद नौकरी करता था, करने की सोच रखता था, आज वह दूसरे लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है और यह सब संभव हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता, उनकी सोच और भारत की उनकी समझ और भारतीयों के किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने की क्षमता पर विश्वास के कारण हुआ। मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना, स्टैंडअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, इन सब योजनाओं से ये कार्य सिद्ध हुआ। भारत हमेशा से ही जो है ना उद्यमिता का देश रहा है किंतु आजादी के बाद उद्यमिता को बढ़ावा देने के स्थान पर हमने उन क्षेत्रों को नियंत्रित किया गया जहां पर हम अपनी उद्यमिता को बढ़ा सकते थे। हमें ये समझाया गया कि बड़े कल कारखानों से रोजगार की उत्पत्ति होगी पर जो हमारे पारंपरिक कार्य क्षमता थी उसको प्रोत्साहन नहीं दिया गया। छोटे उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, घर में चलने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं दिया गया। इन सभी नीतियों से भारत में उद्यमिता की कमी आई, श्रमिकों की कार्य कुशलता में भी कमी आई। मैं अपने संसदीय क्षेत्र छतरपुर का उल्लेख करना चाहता हूँ। छतरपुर में जो है ना तांबा, कांसा और पीतल का इतना सुंदर काम होता है। हमारे बीडी शर्मा जी खजुराहो से आते हैं, खजुराहो में इतने अच्छे एक्रिलिक आइटम बनते हैं जो हमारे देश के लोगों के साथ ही साथ जो बाहर से आने वाले जो विदेशी पर्यटक वहां पर खजुराहो आते हैं वो उन सारी चीजों को वहां से अपने देश लेकर जाते हैं। और भारत हमेशा से ही कई क्षेत्रों में जो है ना वो अपने पारंपरिक ज्ञान के साथ में आगे बढ़ता था। टीकमगढ़ में जो है ना इतनी सुंदर पीतल की मूर्तियां बनती हैं। अभी मैं एक माननीय मंत्री जी के घर पर गया था, मैंने वहां जहाँ पर देखा भगवान कृष्ण की जो है ना मूर्ति वहां पर काफी आकर्षक प्रतिमा वहां पर रखी हुई थी, मैंने देखा ये तो हमारे टीकमगढ़ की बड़ी हुई है। तो टीकमगढ़ में इतना सुंदर पीतल का काम होता है जो आज देश के कोने कोने में जो है ना अपनी पहचान को बढ़ा रहा है और ये पारंपरिक ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी किया जाता था। आधुनिक काल में हमें ऐसी व्यवस्था करना होगी कि हम अपने पारंपरिक ज्ञान को वर्तमान परिवेश से जोड़ते हुए एक नया कौशल विकास कार्यक्रम प्रारंभ करें जिससे पारंपरिक ज्ञान भी बचे और रोजगार को भी बढ़ावा मिले। आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इसी परिकल्पना के साथ आगे बढ़ रहे हैं जिसमें पारंपरिक ज्ञान को व्यवहारिकता में उतारते हुए आधुनिक ज्ञान के साथ समावेश करते हुए प्रगति के नए नए आयामों को प्राप्त कर सकें। अब इसमें चाहे मुरादाबाद के एकलेक आइटम की बात हो, चाहे वो श्रीनगर के कलात्मक साग की बात हो, मिर्जापुर के कालीनों की बात हो, चंदेरी की साड़ियों की बात हो, महेश्वरी साड़ियों की बात हो, कांजीवरम की साड़ियों की बात हो, मैसूर सिल्क की बात हो, राजकोट के चांदी के सामान की बात हो, हम देखते हैं हमारे देश के हर क्षेत्र में जो है ना कुछ जो है ना अलग से करने अपना वहां पर एक पहचान बनी हुई है। अब विकास की दृष्टि से जो है ना हमारी केंद्र सरकार के द्वारा जो है ना नीति आयोग के द्वारा 112 आकांक्षी जिलों को चिन्हित किया गया जहां पर पोषण आहार, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में काम करने की दृष्टि से विशेष योजनाएं बनाएगी। मेरे संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़ में भी छतरपुर जिले को जो है ना जो आकांक्षी जिले में आता है वहां पर झांसी से लेकर खजुराहो तक
4 लेन एक्सप्रेस वे हाईवे का काम तेजी से कम चल रहा है। यहाँ पर एक नया मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा और केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। एनटीपीसी का जो प्लांट वहां पर लगाया जाना था उसके लिए जो स्थान है वहां पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाए जाने की दिशा में भी ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा जो है ना योजना बनाई जा रही है। और निवाड़ी में ओरछा से प्रतिपुर टीकमगढ़ सायगढ़ तक और एनएच को स्वीकृति दी गई है। मैं आदरणीय नितिन गडकरी जी को भी इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी पिछले दिनों दिल्ली और प्रयागराज के लिए 2 ट्रेनें कोविड के दौरान में जो है ना 2 ट्रेनें दिल्ली से खतरा में प्रारंभ हुई और हमारे यहाँ का मजदूर जो दिल्ली हरियाणा पंजाब पहले झांसी आता था सामान लेकर अपनी बड़ी बड़ी पोटियां लेकर आता था अपने बच्चों को लेकर आता था आज वो झांसी जाने के स्थान पर टीकमगढ़ से ही सारे स्थानों पर जा रहा है। और अभी टीकमगढ़ में अभी पिछले महीने 1 तारीख को माल गोदाम प्रारंभ किया गया और मात्र 20 दिन की अवधि में 8 ट्रक वहां से रवाना हुए जिससे व्यापारियों को लाभ मिलने के साथ ही साथ वहां पर के मजदूरों को भी लाभ मिला और आने वाले समय में इससे क्षेत्र के विकास का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, समय की एक सीमा है, लेकिन मैं आज जो सबसे ज्यादा ज्वलंत विषय है उस ज्वलंत विषय पर जो है ना थोड़े शब्दों में मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। और हमारी सरकार के द्वारा किसानों के दीर्घकालीन कल्याण के लिए 3 बिलों को पारित किया गया। हमने पाया कि हमारे कुछ किसान भाई बिलों को लेकर कुछ आशंकित हैं। हमारी सरकार ने तुरंत उनको बातचीत का न्योता भी भेजा और लगभग 11-12 दौर बातचीत भी की गई। लेकिन जब इन किसानों के बीच में कुछ राजनीतिक दल अपने अस्तित्व को जो है ना और पुनर्जीवित करने के लिए अप्रत्यक्ष और छुपे रूप में जब इसमें शामिल हो गए तो पूरा परिदृश्य बदल गया। और देखते देखते हमने देखा कि 26 जनवरी की वो दुखदायी घटना घटित हुई। अरे माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संदर्भ में आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि हवाई नेता जिनको अरहर तुअर और चना की दाल में अंतर का ज्ञान नहीं होता ऐसे नेता ट्विटर खोल रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि देश के माहौल को किस तरह से दूषित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने देश में लोकतंत्र है और सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। इस बात पर ध्यान दिए बगैर कि अधिकार के पहले देश के प्रति कर्तव्य भी आते हैं। आप कितने भी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं लेकिन कि देश की जनता सब जानती है। मैं इस संबंध में हमारे आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी का जो है ना 4 नवंबर 1979 का जो है ना एक भाषण में यहाँ पर कुछ अंश कोट करना चाहता हूँ कि किसानों की हालत सुधारने के लिए मेरे किसान बड़े बड़े शहरों में रहते हैं। उनके नेता ये जो हमारे यही समझते रहे कि मान लो हम दुकानदारों के खिलाफ हैं वो ज्यों के त्यों खिलाफ हैं। नहीं किसानों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो लोग ऐसा सोचते हैं गलत सोचते हैं। जो आदमी किसानों के खेतों की पैदावार बनाने की बात करता है भाई दुकानदारों का आप कहते थे इसलिए उनकी दुकान का भी खेत की पैदावार आपकी जरूरत होगी तो वो बाजार में ले चलो। मानव इलाकों की खेतावार दुगनी या तुगनी हो जाए। आज कैलिफोर्निया ब्रिटेन और अमेरिका में 10 गुना कपास पैदा होती है वनस्पत हिंदुस्तान के। यूरोप में जो मुल्क है उनकी पैदावार 4-5 गुना होती है वनस्पत हमारे देश के। तो हमारे खेतों की पैदावार बढ़ सकती है और बढ़नी चाहिए। अगर मानो आपकी पैदावार दुगनी हो जाए तो शहर में जितने दुकानदार हैं आपकी पैदावार खरीदने वालों की संख्या तिगनी हो जाएगी। फिर आपकी पैदावार को लेकर दूसरे शहरों में दूसरे जिलों में और दूसरे देश में जाएंगे जहां वह चीज पैदा नहीं होती है तो परिवहन बढ़ जाएगा। फिर आपकी जेब में रुपया आएगा तो आप उसका क्या करेंगे? आपको अपनी जरूरत के लिए अन्न रख लिया, चावल रख लिया, गेहूं रख लिया, बाकी पैसों का क्या करेंगे? पैसा तो नहीं खाओगे जिससे आप अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदेंगे, जूते खरीदेंगे और बच्चा अगर तगाजा करता है तो उसके लिए घड़ी खरीदेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आदरणीय चरण सिंह जी ने कहा था कि खेती के अलावा जो है ना 3 बड़े-बड़े धंधे हैं, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री, व्यापार, परिवहन और उद्योग धंधे। जब खेती अच्छी होती है, फसल अच्छी होती है तो फसल को बेचने के लिए किसान बाजार में जाता है और बाजार में बेचकर उसको फसल बेचने के बाद उसको जो पैसा मिलता है उस पैसे से वो सोचता है इस वर्ष मैं एक नया ट्रैक्टर खरीदूंगा। वो सोचता है मेरे खेत की बाजू की जो जमीन है इस बार मैं जमीन खरीदूंगा। वो सोचता है मैं अपने बेटे को जो है इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजूंगा। वो सोचता है मैं अपनी बेटी की शादी अच्छे ढंग से करूंगा। और जब वो बाजार में जाता है सामानों को खरीदने के लिए तो बाजार में मांग बढ़ जाती है और जब बाजार में मांग बढ़ती है तो उद्योग धंधों के कल कारखानों के पहिए तेजी से घूमते हैं। नए कारखानों की आवश्यकता होती है, उन कामों को करने के लिए इंजीनियरों की आवश्यकता होती है, उस बिजली को चलाने के लिए इंजीनियर की आवश्यकता होती है। और यही बात आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी ने कही थी। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारी सरकार जो है ना इस दिशा में काम कर रही है कि किसानों की आय को दुगना कैसे किया जाए। MSP को बढ़ाने का काम किया गया, कितने सारे काम किए जाए, फसल बीमा योजना, नीम कोटेड यूरिया, ये सारी के सारे योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा किसानों की आय को बढ़ाने के लिए, किसानों को आर्थिक सामाजिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार के द्वारा और जिस सरकार ने गेहूं के भुगतान में, हम 2013 की बात करते हैं, उस समय 34,000 करोड़ रुपए किसानों को भुगतान होता था,
उसे 5 साल के अंदर डबल से ज्यादा करके 75,000 करोड़ रुपया दिए गए। जिस सरकार ने दाल के मुद्दे पर 13-14 में जब केवल 236 करोड़ रुपए का देश के सारे भुगतानों को किसानों को भुगतान किया जाता था, उस 236 करोड़ रुपए को 40 गुना बढ़ाकर 10,550 करोड़ रुपए किया हो, जिस सरकार ने हमारे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, दक्षिण मध्य प्रदेश के किसान, कपास के किसानों के लिए 2014 में केवल 90 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाता था, उसको 300 गुना बढ़ाकर 26,000 रुपया करोड़ किया हो, जिस सरकार ने किसानों के सम्मान के लिए 6,000 रुपया हर साल के हिसाब से किसान सम्मान निधि के लिए 1,13,000 करोड़ रुपया जो है ना किसानों के खाते में पहुंचाए हो, जिस सरकार ने कृषि की अधोसंरचना के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का नया फंड तैयार किया हो, जिस सरकार ने फसल के नुकसान के लिए फसल बीमा लागू योजना लागू की हो और 5 साल के अंदर 90,000 करोड़ रुपए भुगतान के रूप में किसानों के खाते में पहुंचाए हैं, भाई सरकार किसानों के विकास और किसानों की प्रगति के विकास प्रगति के लिए प्रतिबद्ध थी, प्रतिबद्ध है और प्रतिबद्ध रहेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, मैं बस दो लाइन और इसके साथ में मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि क्या संकट के समय बजाय सहयोग के सिर्फ आलोचना करने वाले आदर्श राजनेता हो सकते हैं? देश सीए का स्वागत कर रहा था, कुछ तथाकथित लोग शाहीन बाग को हवा देने का काम कर रहे थे कि राष्ट्र के आमजन की भावना के विपरीत राष्ट्र विरोधियों का साथ देने वाले आदर्श राजनेता हो सकते हैं। सैकड़ों वर्षों के राम मंदिर का समाधान होने पर देश में हर्षोल्लास का वातावरण था, कुछ लोग वर्षों से कोर्ट के द्वारा रोड़ा अटकाने में लगे थे, क्या इस तरह का दुर्व्यवहार करने वाले आदर्श राजनेता हो सकते हैं? जब सरकार के द्वारा दासता के प्रतीक ट्रिपल तलाक बिल से अल्पसंख्यक महिलाओं को स्वतंत्रता दिलाने की ओर सरकार बढ़ रही थी, क्या महिलाओं की आजादी का विरोध करने वाले महिला विरोधी आदर्श राजनेता हो सकते हैं? क्या गणतंत्र दिवस पर संविधान की अवमानना एवं तिरंगे का अपमान करने वाले आदर्श राजनेता हो सकते हैं? इस देश ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान के नारे को आत्मसात किया है, क्या लाल किले पर किसानों को जवानों को खाई में गिराने के लिए उनको खाई में फेंकने के लिए वाले आदर्श राजनेता हो सकते हैं? भारत में बनने वाली वैक्सीन की उपयोगिता पर सवाल खड़ने वाले क्या आदर्श राजनेता हो सकते हैं? आइए हम भारत की विकास यात्रा में सृजन के मार्ग पर हम रचनात्मक विरोध का स्वागत करते हैं। हम मुद्दों पर आधारित तर्कपूर्ण विरोधों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पष्ट कहते हैं कि चर्चा के लिए हमारे दरवाजे सदैव खुले रहते हैं। देश तो हम सभी का है और इसलिए सरकार जिम्मेवारी भी हम सभी की सामूहिक है। और इसी के साथ मैं महामहिम राष्ट्रपति जी की अभिभाषण के लिए आभार और धन्यवाद करता हुआ अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ।